भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए जनता की अदालत में आने की चुनौती दी। उन्होंने लोगों से कहा कि हमने आपके जीवन में हमेशा ईमानदारी को तवज्जो दी है, इसलिए आप सभी लोगों से अपील है कि जब आप दिल्ली विधानसभा के चुनाव में झाड़ू का बटन दबाना तो यह सोचकर दबाना कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। इसके साथ ही उन्होंने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आए थे। वहीं इस्तीफे पर केजरीवाल ने कहा, मुझे सत्ता और कुर्सी का लालच नहीं है, जब मुझे भ्रष्टाचारी और चोर कहा गया तो दुख हुआ, और इस लांछन के साथ कुर्सी तो क्या सांस भी नहीं ले सकता, जी भी नहीं सकता। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है, अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, इन नेताओं की मोटी चमड़ी है, इनके ऊपर जितने मर्जी आरोप लग जाए इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं नेता नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है, मेरे को फर्क पड़ता है। मेरे पे जब ये कीचड़ फेंकते हैं बीजेपी वाले, मेरे को जब ये चोर कहते हैं, मेरे को जब ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, मेरे को जब ये गाली देते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरी आत्मा पीड़ित है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं, और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा नहीं है, मैंने केवल इज्जत कमाई है। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। मेरे को कई लोग कहते हैं, कैसा आदमी है यार तू, 10 साल राजनीति करी, 10 साल सीएम रह गया, 10 साल में तो 10 कोठियां बन जाती, 10 घर बन जाते, 10 प्लॉट बन जाते। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर, और उसी प्यार का नतीजा है आज जब मैं घर छोड़ूंगा मेरे पास इतने लोगों के फोन आ रहे हैं, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जी मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मैं किराया नहीं लूंगा, मेरा घर ले लो। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही नवरात्र शुरू होंगे मैं सीएम आवास छोड़ दूंगा, और आप में से ही किसी के घर आके मैं आपके साथ रहना चालू कर दूंगा।